हमारी दुनिया अजीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आसपास अजीब अजीब तरह की कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जिनको देखकर हमारी तरह शायद आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। जैसे कि हमारे आसपास रहने वाले जंगली जानवरों को ही ले लीजिए। इनमें से कुछ जानवरों की प्रजातियाँ जिन्हें अभी हाल ही में ढूंढा गया है, वह दिखने में इतनी ज्यादा अजीबोगरीब लगती है कि उन्हें देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि भला ये कोई जानवर है या दूसरी दुनिया का प्राणी। तो अपनी कमर कस लीजिए और इन यूनिक और न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल स्पीशीज को देखने के लिए रेडी हो जाए। नंबर 10, द साउथ ईस्ट एशियन लीफ मंकी। क्या आप मंकी की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जानते हैं जिनकी आंख और मुंह पर सफेद धब्बे की वजह से इन्हें एकदम अलग ही पहचान हासिल है? बता दें कि ये मंकी कहीं और नहीं बल्कि इंडिया में असम, मिजोरम और त्रिपुरा जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। इंडिया के अलावा भी ये मंकी बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और थाईलैंड जैसे देशों में भी पाए जाते हैं। ये बंदर रबर ट्रीज के आसपास ही रहते हैं और इन्हीं पेड़ों की पत्तियां खाते भी है। ये बंदर जितना भी खाना खाता है उसमें से 67% सिर्फ रबर ट्रीज की पत्तियां ही खाते हैं और इन पत्तियों के अलावा ये फ्रूट्स भी पसंद करते हैं। 25 सालों तक जिंदा रहने वाले ये मंकी स्पीशीज इस वक्त खतरे में है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इनका अवैध तरीके से शिकार करना। नंबर 9, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। एक अनोखी चिड़िया जो वेस्टर्न न्यू गिनी में पाई जाती है और इसका नाम सुपर बर्ड पैराडाइज है। ये बर्ड 2018 में पाई गई थी और इसके स्माइली फेस और यूनिक फेस ने सबका दिल जीत लिया था। दरअसल मेटिंग के वक्त ये पक्षी अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करते हैं। जब भी इनकी फीमेल पार्टनर इनके करीब आती है तो ये उसके आसपास इधर उधर कूदकर डांस करने लगते हैं। ये खूबसूरत चिड़िया 26 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। इसका ऊपर का हिस्सा काला होता है और बाकी शरीर नीले रंग का होता है। ये अनोखे पक्षी अपनी खूबसूरती से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। नंबर 8, द लॉक्सोसिलस टेनोस्टेटलान। अभी हाल ही में यानी 2019 में स्पाइडर की एक नई स्पीशीज पाई गई जिसे नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जिसके बाद ही इसे स्पाइडर को लॉक्सोक्सिलिस टेनोक्टिशियन नाम दिया गया है, जिसे बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट अलेजांद्रो वाल्डेज मोंड्रागन ने क्लॉडिया नवारो, कैरन सॉलिड और मायरा कोर्टेजी एल्मा जुआरेज नाम के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर खोजा है। बायोलॉजिस्ट अलेजांद्रो ने बताया कि स्पाइडर की ये स्पीशीज जहरीली है पर इंसानों पर तभी हमला करती है जब इन पर हमला किया जाए या फिर इन्हें खतरा महसूस हो। डार्क ब्राउन कलर की ये स्पाइडर ज्यादातर फर्नीचर के साथ साथ दीवारों में भी छिप जाती है और रहने के लिए अक्सर इनको ह्यूमिड यानी नमी वाली जगह ही पसंद होती है। इन मकड़ियों के काटने पर दर्द नहीं होता। वैसे ये जहरीली मकड़ियाँ अगर आपको काट ले तो काटी गई जगह पर ब्लू पर्पल धब्बा बन जाता है, जिसे देखकर हम कोई इन्फेक्शन समझ सकते हैं। इन जहरीली मकड़ियों को खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ कॉकरोचेस भी पसंद है। खैर, हमारी आपको यही सलाह है कि इन मकड़ियों से बच कर रहिएगा। नंबर 7, निंजा लैंटर्न शार्क। निंजा लैंटर्न शार्क को दुनिया भर में पाई जाने वाली सबसे अजीब फिश माना जाता है, जो दिखने में एक जापानीज निंजा की तरह लगती है। वैसे इस अजीब से दिखने वाली मछली को पैसिफिक ओशन की गहराई में सेंट्रल अमेरिका के हिस्से में 2015 में पाया गया था, जिसे एक बायोलॉजिस्ट की टीम ने ढूंढ निकाला था। इस टीम के लीडर विकी वास्क्वेस थे। काले रंग की ये मछलियाँ दिखने में बहुत ही चमकीली होती है। वहीं इनकी लंबाई 19 इंच तक हो सकती है और इनके निचले जबड़े में 30 से 36 दांत होते हैं। वैसे इन मछलियों का ऑफिशियल नेम एटमोप्टेरस बेंचलेई है, जो नॉवलिस्ट पीटर बेंचलेई के नाम पर पड़ा है। आपको बता दें कि पीटर बेंचलेई ने जॉज नाम की फेमस बुक लिखी है और इसी बुक पर स्टीवन स्पिल्सबर्ग ने जॉज नाम की फिल्म भी बनाई है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में ये फिश बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। नंबर 6, गोल्स माउस। गोल्स माउस चूहे की एक प्रजाति ऐसी भी है जो आज से करीब 125 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। पर क्या वाकई में ऐसा हुआ था? इस बारे में लोगों का कंफ्यूजन तब दूर हुआ जब ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक्सटिंक्ट रोडेंट्स की खोज के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। बताया जाता है कि इनके डीएनए सैंपल्स की मदद से जो जानकारी हाथ लगी वो काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि डीएनए जांच में ये पता चला कि जिस माउस को लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज मानते थे वो गोल्ड्स माउस ही है और ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में ही जाता है। वैसे ये एक अच्छा मौका है कि हम इस स्पीशीज को दोबारा सेव कर सके, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए लैंड क्लियरेंस की वजह से इनका हैबिटेट बिगड़ता जा रहा है। अगर समय रहते चूहे की इस अजीब और अनोखी प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन चूहों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। नंबर 5, मराटस।
ये जीव दिखने में कुछ कुछ एक मकड़ी जैसे और एक मोर यानी पीकॉक की तरह लगते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो जीव उस वक्त आप देख रहे हैं वो आधा मोर है और आधा मकड़ी, और इसका नाम मराटिस है, जिसकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। जैसे कि अगर हम मराटिस एल्बस की बात करें तो इसमें एक मादा की लंबाई 3.5 मिलीमीटर से लेकर 4.2 मिलीमीटर तक हो सकती है। वही एक मेल मराटिस एल्बस की लंबाई 4.39 मिलीमीटर से लेकर 5.86 मिलीमीटर तक हो सकती है। पैराडाइज बर्ड्स की तरह ही ये जीव भी नाचते हैं। वेस्टर्न और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जीव खूबसूरती से भरपूर होते हैं और इन्हें पीकॉक स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। सच में ये जीव दिखने में बहुत ही अजीब लगते हैं। नंबर 4, ड्रैकुला फिश। क्या आप अब तक धरती के सभी जीवों के बारे में जान पाए हैं? नहीं ना, क्योंकि जिन प्रजातियों के बारे में हम जानने का दावा करते आए हैं उनमें से कई प्रजातियों के बारे में हम आज भी नहीं जान पाए हैं। जैसे कि ड्रैकुला फिश, एशिया की नदन म्यांमार में पाई जाने वाली ये फ्रेश वाटर फिश कहीं ज्यादा वियर्ड है, जिसके बारे में हाल ही में जानकारी मिली है। वैसे खासकर लोग इन्हें इनके बिजार अपीयरेंस के कारण भी जानते हैं। दरअसल इनका जॉस किसी वैम्पायर की तरह लगता है, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर भी है। इसके जॉ स्ट्रक्चर को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसे डैनियोनेला ड्रैकुला नाम दिया है। बताया जाता है कि इसे पिछले कई दशक में इस फिश के बारे में काफी खोज की गई है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के फिश रिसर्चर रॉल्फ ब्रिट्स ने इस फिश को म्यांमार में खोजा था। वियर्ड लुक वाली ये फिश श्रिम्प, लार्वा, टाइनी नेमाटोड्स, स्मॉल क्रस्टेशियंस और इनवर्टिब्रेट को अपना भोजन बनाती है। अनोखे शरीर के ढांचे की वजह से इसे यूनिक फिश भी माना जाता है। नंबर 3, द बारल आई फिश। बारल आई फिश अपने अनोखेपन की वजह से दुनिया भर में फेमस हो चुकी है। वाकई में किसी क्रिएचर का ये काफी रेयर अपीयरेंस है। इसे आप खुद ही देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट स्कल वाली ये मछली डीप वाटर में रहती है। ये अमेजिंग क्रिएचर समुद्र में लगभग 2000 फीट की गहराई में पाई जाती है। हालांकि ये अपने आप में एक बिजार फिश है, लेकिन इनके आंखों को देखकर तो हर कोई यही सोचता है कि आखिर ये अपना शिकार कैसे करती है, क्योंकि इनकी आईज ऊपर की ओर लोकेटेड होती है। ऐसे में पाथ फाइंडिंग से लेकर शिकार करने के मामले में इनकी एक्टिविटी वाकई चौंकाने वाली है। नंबर 2, ब्लैक ब्राउड बैबलर। कुछ पक्षी अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी आवाज के लिए और कुछ अमेजिंग अपीयरेंसेस के कारण फेमस होते हैं। लेकिन अगर ब्लैक ब्राउड बैबलर की बात करें तो ये एक सॉन्ग बर्ड के नाम से फेमस है। हालांकि इसे दुनिया में बहुत कम लोगों ने ही देखा और सुना है, क्योंकि ये एक रेयरेस्ट बर्ड है जो कि बोर्नियो आइलैंड के कुछ हिस्सों में ही देखी जाती है। बताया जाता है कि ये पक्षी लगभग 150 सालों से कहीं दिखाई ही नहीं दी, जिसकी वजह से ऐसा माना जाने लगा कि शायद ये विलुप्त हो चुकी है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसे 2020 में देखा गया। कहा जाता है कि एशिया का कोई भी दूसरा पक्षी इतने दिनों तक छुपा नहीं रहा जितने दिनों तक ब्लैक ब्राउड बैबलर हिडन रूप रहा। जानकार मानते हैं कि ब्लैक ब्राउड बैबलर को इनके बिल की मदद से ही पहचाना जा सकता है, जो कि बाकी पक्षियों से काफी अलग होता है। स्मॉल साइज की ये बर्ड स्मॉल होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी होती है। ऐसे में एक बार इन्हें निहारना और इनके मधुर आवाज को गौर से सुनना तो बनता है। इससे पहले कि ये फिर से गायब हो जाए, साइंटिस्ट इसके सभी बिहेवियर के बारे में अच्छे से जान लेना चाहते हैं। ये क्रिएचर जितने ज्यादा यूनिक है उतने ही ज्यादा रेयर भी। नंबर 1, ग्लास ऑक्टोपस। ग्लास ऑक्टोपस को दुनिया के सबसे विचित्र ऑक्टोपस कहना गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर मरीन बायोलॉजिस्ट ने एक अभियान शुरू किया। दरअसल ये अभियान आइलैंड के समुद्री हैबिटेट्स का व्यू लेने और वहां की इकोलॉजी को समझने के लिए चलाया गया था। लेकिन यहां रिसर्चर्स की टीम ने जो कुछ भी देखा ये काफी नया और अमेजिंग था। दरअसल पहली बार में इन्हें ऐसा लगा मानो ये कोई जेलीफिश हो, लेकिन जब इन्होंने गौर से इसे देखा तो पाया कि ये एक ऑक्टोपस है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सा है। समुद्र की गहराई में लगभग 3000 फीट नीचे मौजूद एक क्रिएचर किसी अजूबे से कम नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों को भी इनके बारे में अब तक ज्यादा पता नहीं चला है, सिवाय इसके हाइट और लाइफ स्पैन के बारे में, जो कि करीब 1.5 फीट लंबे और 2 से 5 साल तक जिंदा रहते हैं। दूसरे शब्दों में इन जीवों की उम्र काफी कम होती है।
तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।